अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देख लेंगे। सबसे पहले रख लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने एक कटोरी भर के मैदे का आटा डाला है और थोड़ा नमक डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ये जो आटा गूंथेंगे उसमें थोड़ा भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे फ्रेंड्स। जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं वैसे ही हमें आटा लगाना है। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है पानी, इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल करके इस तरह देखिए एक आटा तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े तरकारियों को कट कर ली हूँ मैं, और एक चापर की मदद से हम इसे बारीक से कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े होंगे तो हमारे मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए एक चॉपर की मदद से हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। आप चाहिए तो एक चाकू की मदद से भी बारीक से कट कर सकते हैं। अब ये सारी तरकारियों को हमें तैयार कर लेना है। और एक प्याज भी मैंने कट करके रख लिया है। रखेंगे एक पैन, उसमें मैंने तेल 2 चम्मच डाला है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मैं इसे भून लूंगी। और इसी समय पर मैं प्याज को डाल दूंगी। गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है फ्रेंड्स। इस समय पर हम सारी तरकारियों को डाल देंगे। बहुत कम से कम मसालों में बहुत मज़ेदार हमारे मोमोज तैयार होंगे। आप भी आपके घरों में ज़रूर से इस तरह बनाना फ्रेंड्स। अब मैं सारी तरकारियों को डाल दूंगी। डाल के आप बाकी के मसाले हम इसमें डालेंगे। आप ये शिमला मिर्च है ना, उसके बदले में बीन्स भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए अच्छे से मिला के हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने 1 चम्मच डाला है फ्रेंड्स। इसमें देखिए थोड़ा भी पानी नहीं छूटा है। और मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाली हूँ, बस इतना ही, और कोई मसाले नहीं डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1 स्पून तक का सोया सॉस। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए ये तरकारियों को बाइंड करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सिर्फ हमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का पाउडर लेना है और उसमें 2 से 3 स्पून पानी डालकर हम एक घोल तैयार करेंगे। तैयार करके इसमें हमें वो भी डाल देना है। देखिए मैं सोया सॉस डाल के अच्छे से मिक्स करके इस समय पर मैं जो कॉर्नफ्लावर का घोल हम तैयार करे थे उसे डाल देंगे, तभी हमारे मोमोज अच्छे से बनेंगे। और जो ये तरकारियाँ खुले खुले हैं वैसे नहीं रहेंगे, बाइंड हो जाएंगे, एक को एक चिपक के रहेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, इसमें पानी भी नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह हमें डाल देना है। इसे डालते ही इसका अलग ही एक बाइंड हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए भी, और हमें जो मोमोज बनाएंगे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए अब यह ख़त्म हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम मोमोज की तरफ। आप चाहे तो ये नाइट में बना के, रात में बना के रख के सुबह को आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। देखिए अब मैं छोटे छोटे आटे के पेड़े लगाऊंगी।
और इस तरह पतला हमें बेल लेना है। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, एक हिसाब से हमें बेलना है। आप जब बेलेंगे तो आपको पता चलेगा। अब एक चम्मच हम इसमें मोमोज का मसाला रखेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स इसे बनाना। सिर्फ हमें इसे देखिए इस तरह फोल्ड कर लेना है। देखिए बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारे मोमोज बन रहे हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। मेरे चैनल में इसकी पहली रेसिपी भी है। आप चाहिए तो उसमें मैंने 4 टाइप के मोमोज तैयार करी हूँ फ्रेंड्स। आप चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं दूसरा भी बनाकर बताऊंगी। सेम वैसे ही बेल लेना है और 1 से 1.5 चम्मच तक हमें मोमोज का मसाला रखना है। देखिए बहुत 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 आसान तरीके का है ये। सिर्फ हमें इस तरह फोल्ड कर देना है इसे। ये भी बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए और देखने के लिए भी। देखिए कितने मज़ेदार हमारे मोमोज दम होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इडली कुकर की तरफ। आपके पास ये इडली कुकर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पतीले को आप एक कॉटन का कपड़ा बांध देना है, उसके ऊपर भी आप इसे दम कर सकते हैं। थोड़ा मैं ये इडली कुकर को थोड़ा तेल से ग्रीस कर दूंगी ताकि ये चिपके ना, इसलिए फ्रेंड्स। अब सारे मोमोज को हम इस तरह रख के एक एक रख के दम कर सकते हैं। हमें इसे 4 से 5 मिनट तक रखना है। देखिए कितना अच्छा हमारे मोमोज दम हो के भी तैयार हो चुके हैं। सारे मोमोज को हम निकाल लेंगे। कितने मज़ेदार मोमोज हमारे बनके तैयार हो चुके हैं ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।